युवा भाजपा नेता माननीय भैया अशोक सिंह बामोरा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य नरेंद्र सिंह बंटू, सचिव जिला सागर मध्य प्रदेश। सोमवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें सागर जिले के जयसीनगर के विभोर भट्ट ने प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया है, जिसके बाद से परिवार और नगर में खुशी का माहौल है। घर वालों ने बेटे की इस उपलब्धि पर मिठाई खिलाकर उसे बधाई दी। विभोर ने होशंगाबाद के शिक्षक मौसा मौसी के घर रहकर पढ़ाई की थी। उसने मैथ्स ग्रुप में 500 में से 483 अंक हासिल किए हैं। विभोर ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने गुरुजन, माता पिता और मौसा मौसी को दिया है। उसने बताया कि सेंट चार्ल्स स्कूल में उसने पढ़ाई की है, वहीं कक्षा 10वीं में जैसी नगर के शिशु मंदिर स्कूल में पढ़ाई करते हुए प्रदेश में 6वां स्थान पाया था। अब वो इंजीनियर बनना चाहता है। विभोर के पिता ब्रिजेश भट्ट का कहना है कि वो अपने बेटे की इस उपलब्धि से काफी खुश हैं और खुशी जाहिर करते हुए वो भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इस देश और यहाँ की माटी ने मेरे बेटे को सब कुछ दिया, मैं चाहूँगा मेरा बेटा अच्छा नागरिक बने और देश की सेवा करे। मैं 8वां स्थान आने पर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस बात का श्रेय मैं अपने सर्वप्रथम गुरुजनों मौसी जी मौसा जी और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं 8वां स्थान मेरिट में आने में सफल हुई। मैं 10th तक मैंने यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई की और 10th में भी मैंने मध्य प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया था। फिर इस दृष्टिकोण से कि वहाँ पर एक अच्छा एटमॉस्फियर है, तो मैं होशंगाबाद चला गया। होशंगाबाद में मैंने सेंट चार्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की और अब मेरा 11th किया है। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे नागरिक बने और इस देश की सेवा करें, यही हमारा उद्देश्य है। एक अच्छे नागरिक के गुण होना चाहिए और इस देश के प्रति, इस देश ने हमें जो इस माटी ने दिया है, उसकी सच्ची लगन से सेवा करें। जैसी नगर से ब्रजेंद्र रैकबार, सागर टीवी न्यूज। लोकप्रिय युवा भाजपा नेता माननीय भैया अशोक सिंह बामोरा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य नरेंद्र सिंह बंटू, सचिव जिला सागर मध्य प्रदेश।